हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्यूटोरियल जगदीश राज एग्ज़ाम क्रैकर। तो हम जो करेंगे आज ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 6 देखेंगे हम, ठीक है ना। इससे पहले हमने पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 डिस्कस कर लिया है, आप वो जाके देख लो, ठीक है। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जरूर देखना, क्योंकि बेसिक जो है वो उसी में है सारा, ठीक है। हम लोग जो ये जो ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, ये क्या है, अलजेब्रा वाला कंसेप्ट हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। हम अलजेब्रा का इस्तेमाल करके सारे क्वेश्चन जो है वो निकालने की कोशिश करते हैं, ओके। तो चलिए फिर, हाँ एक बात और, आप लोग ये लेक्चर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो रूल्स है वो मैं यहाँ यहीं पे डिस्कस करूँगा, क्वेश्चन के बीच में ही करूँगा, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन जो हमारा होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलो आज का क्वेश्चन जो है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो, दिया क्या, टैन थीटा इक्वल टैन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू एम। मेरे पास है टैन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू एम, और एक तरफ उसने मुझे दिया है कि टैन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एन, ओके। तो मुझे पता है मैं थीटा को लेट करता था। देखो जहाँ पे मैं थीटा को, हम जो बेसिक हम थीटा को लेट करते थे वो क्या था, 0 या 90 डिग्री। लेकिन जहाँ पे 0 या 90 डिग्री डालने पे ये इन्फिनिटी फॉर्म बनने वाला है, ठीक है ना। ये वाला इन्फिनिटी फॉर्म बनने वाला है, क्योंकि जहाँ देखो आपको पता होगा टैन जो 90 डिग्री होता है वो क्या रहता है, टैन 90 डिग्री इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर थीटा को 90 डिग्री यहाँ पर मैं नहीं ले सकता, ओके। चलो कोई बात नहीं, हम जो सिंपली इसके बाद जो हमारे पास जो ऑप्शन जो रहता है वो थीटा इक्वल टू क्या रहता है, थीटा इक्वल टू वो रहता है 45 डिग्री, ठीक है ना। तो चलो फिर इसी को हम लेके यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, टैन 45 डिग्री क्या रहता है, टैन 45 डिग्री इक्वल टू, टैन 45 है ना, तो 1 प्लस साइन 45 डिग्री क्या रहता है, वो रहता है मेरे पास 1/√2, ठीक है ना। तो ये किसके बराबर आया, m के बराबर, तो यहाँ भी पुट कर दो तो 1 - 1/√2 ही आएगा ना, इक्वल टू n। अब देखो यहाँ पे, तो मुझे अब निकालना क्या है, एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर। तो सबसे पहले तो मैं इसको इस फॉर्म में लेके इसको आता हूँ, ठीक है ना। तो मुझे पता है मुझे जो निकालना है, ये देखो यहाँ पे क्या निकालना है, तो मेरे पास ऑप्शन है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, एम प्लस एन इक्वल टू एम माइनस एन, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, तो कर दो इसको सॉल्व। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास, वन प्लस 1/√2, ठीक है ना, 1 - 1/√2 ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो 1 का स्क्वायर - 1/√2 का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, 1 - 1/2, तो ये क्या आएगा मेरे पास, है ना, 1/2 ही आएगा ना, 1 रुपये में से मैंने आधा निकाल दिया, ठीक है ना, तो 1/2, ओके। तो मेरे पास एक्चुअली एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्या आया, 1/2। अब मुझे ये देखो मेरे पास ऑप्शन क्या है, जी है ना, जी ऑप्शन है मेरे पास। तो मुझे जो वाला ऑप्शन 1/2 देगा वो मेरे पास क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो चलो कोई बात नहीं, सबसे पहले देखो m इंटू एन की फॉर्म में उसने दिया है ना, तो मैं m इंटू एन भी कर लेता हूँ, ठीक है ना, m इंटू एन भी मैं कर ही लेता हूँ। तो जब मैंने वो किया है तो मेरे पास आया 1/2, तो कोई बात नहीं, चलो इसमें वैल्यू पुट करो, है ना, हाँ m इंटू एन में, तो
चलो m इंटू एन निकाल लेता हूँ मैं, m इंटू एन क्यों निकालना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे उसने दिया हुआ है, ठीक है ना। करो करो कोशिश करते हैं इसको। तो मेरे पास यहाँ से क्या आएगा, m इंटू एन जब मैं करूँगा तो m की वैल्यू क्या थी मेरे पास, एक्चुअली जे भी क्या आएगी, 1/2 ही आएगी। चलो ठीक है, तो एक्चुअली में मैंने क्या किया है, m इंटू एन के लिए मैंने जे वाला इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। इसके लिए मैं अलग से निकालता हूँ, ठीक है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। चलो इसके लिए निकालने की कोशिश करते हैं हम, जे वाला जो है ऑप्शन है वो मैं यहाँ पे करूँगा, ठीक है। तो m क्या है मेरे पास, 1 + 1/√2, और प्लस n क्या है मेरे पास, 1 - 1/√2। ओके हाँ ठीक है, तो चलो इसको निकाल देते हैं, 1 + 1/√2, और यहाँ पे क्या है, माइनस एन के मेरे पास 1 - 1/√2। तो चलो इसको करते सॉल्व, 1 + 1/√2 + 1 - 1/√2, ठीक है ना, जे और जे कैंसिल हो जाएगा ना, है ना। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, चलो कोई नहीं मैं इसको निकाल लेता हूँ, तो 2 है ना, इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं अब, 1 + 1/√2, ठीक है ना। चलो माइनस यहाँ पे लिख लेता हूँ, 1 + 1/√2, जे और 1 और जे 1 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो मेरे पास एक्चुअली क्या गया, 2 है ना, 2 और जहाँ से बचेगा मेरे पास 1/√2, ठीक है ना। तो मैं इसको रैशनलाइज कर लेता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाई 1/√2 मल्टीप्लाई बाई √2/√2। तो जहाँ से मेरे पास क्या आएगा, 2√2/2, ठीक है ना। आज तो मिस्टेक ही बड़ी हो रही है एक। तो यहाँ पे क्या था मेरे पास एक्चुअली में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास आया 2 × 1/√2 + 1/√2, तो ये क्या आएगा, √2/2। जब मैं इसको रैशनलाइज करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 2√2, ठीक है ना। तो मेरे पास m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की वैल्यू क्या आनी चाहिए, मतलब कि इनकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 2√2। तो वही ऑप्शन में मैंने देखा 2√2 आता है। चलो इसमें देखते हूँ, 4√, मैंने m इंटू एन क्या निकाला था, m इंटू एन निकाला था मैंने, ये मेरे पास एक्चुअली क्या था, m इंटू एन क्या था, 1/2। तो जी आ जाएगा 1/2। तो मुझे पता है यहाँ से क्या आएगा, 4 × 1/√2, ठीक है ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है ये, और इसको मैं ऐसे रखूँगा क्योंकि 2 का जो स्क्वायर रूट है वो एक्चुअली में नहीं होता है। तो जहाँ से मैं क्या करूँगा, 4 × 1/√2 × 1/√2, इसको मैं रैशनलाइज कर दिया, 4 × 1/2, तो इसको मैं रैशनलाइज किया था ना, ठीक है। तो ये बनेगा √2/2, 2 × 2 = 4, तो मेरे पास है 2√2। इसका मतलब ये वाला मेरे पास आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, तो जहाँ पे देखो, इफ़ a² - b² sin θ + 2ab cos θ = a² + b² देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा की मुझे निकालनी है। तो मेरे पास है क्या, मुझे दिया क्या उसने, a² - b² ठीक है, sin θ + 2ab cos θ = a² + b² देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो मुझे उसने दिया है a² - b² sin θ + 2ab cos θ = a² + b², मुझे निकालना है tan थीटा की वैल्यू मुझे निकालनी है।
ठीक है ना। तो चलो करते हैं इसको अप्रोच। तो बेसिक जो देखो मैं इसको जीरो बनाने की कोशिश करता हूँ है ना। चलो मैं ए को वन मान लेता हूँ और बी को भी वन मान लेता हूँ, तो वन माइनस वन जीरो आएगा, तो ये वाला ऑप्शन जीरो आएगा ना। तो मेरे पास बचेगा क्या, टू है ना, टू और ए बी क्या रहेगा, वन आएगा ना, टू कॉस थीटा इक्वल टू टू, ठीक है ना। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या बचा, वन। तो मुझे बताओ कॉस थीटा मतलब कि वन कब होता है, कॉस नाइन्टी क्या रहता है, कॉस नाइन्टी क्या रहता है, वन। इसका मतलब मेरे पास थीटा क्या है, नाइन्टी डिग्री है। ओके चलो टैन थीटा नाइन्टी क्या होता है, टैन नाइन्टी इन्फिनिटी होता है ना, हाँ टैन नाइन्टी क्या रहता है, इन्फिनिटी। चलो कोई बात नहीं, टैन थीटा क्या होगा यहाँ पे, इन्फिनिटी। अब जो वाला ऑप्शन मुझे जो इन्फिनिटी देगा तो वो वाला मेरा आंसर होगा। इसमें देखते हैं इसमें मेरे पास कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि मुझे क्या देता है, इन्फिनिटी वाली फॉर्म देता है, ठीक है ना। क्या कर रहा हूँ मैं भी, कॉस 90 क्या है यहाँ पे मेरे पास, कॉस 90 नहीं कॉस 0 डिग्री 1 होता है। तो मुझे पता चला कि थीटा मेरे पास क्या है, 0 है। तो अब मैं टैन, इसका मतलब क्या है मेरे पास, टैन 0 डिग्री। ओके टैन 0 डिग्री क्या रहता है मेरे पास, है ना, टैन थीटा को 0 डिग्री है ना। तो अब देखो जहाँ पे आप देखो, और जहाँ पे अगर वैल्यू आप पुट करो 1 1 की, ये देखो चलो मैं ऑप्शन यहाँ पे लिख लेता हूँ। ऑप्शन जो है मेरे पास, एक मेरे पास ऑप्शन है यहाँ पे 1.2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब आप ए को 1 लोगे, बी को 1 लोगे और ठीक है, तो क्या आपके पास जो टैन थीटा है ना, टैन 0 डिग्री क्या है, टैन 0 डिग्री क्या है मेरे पास, 0 रहता है ना, टैन 0 डिग्री क्या रहता है, 0। क्या मेरे पास 0 ऑप्शन आता है। तो जहाँ पे देखो यहाँ पे ये वाला तो आएगा नहीं है ना, क्योंकि ये वाला जब मैं इसको ए को वन डालूंगा, वी को वन डालूंगा, तो ये वाला 0 नहीं बन रहा है। अब देखो इसको मैं डालता हूँ तो ये वाला मेरा आंसर आ सकता है, ठीक है ना। अब मैं इसमें डालता हूँ तो ये वाला ही मेरे पास आंसर आ सकता है, ये वाला मेरे पास आंसर नहीं आ सकता क्योंकि ए को मैं वन और वी को वन डाल रहा हूँ। तो इसका मतलब मैं ये वाली वैल्यू भी पुट नहीं कर सकता। चलो मैं नेक्स्ट वाली ट्राई करता हूँ, नेक्स्ट में ट्राई करता हूँ, ठीक है। आप पुट कर लो, ए इक्वल टू वन कर दो और बी इक्वल टू जीरो कर दो, इसी में पुट करो वैल्यू, ठीक है। तो देखते हैं अब क्या ऑप्शन बनता है। तो ये क्या बनेगा, बी इक्वल टू जीरो ले रहा तो ये बनेगा वन है ना मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा है ना। तो ये वाला सारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, जीरो इक्वल टू वन। तो मेरे पास साइन थीटा क्या आया, वन। अब देखो थीटा वन क्या होता है, थीटा हाँ, अब साइन थीटा 90 डिग्री पे, थीटा क्या है मेरे पास 90 डिग्री है, क्योंकि साइन थीटा क्या है 1 है, तो इसका मतलब थीटा क्या है मेरे पास 90 डिग्री। तो टैन 90 डिग्री क्या रहता है मेरे पास, इन्फिनिटी। अब जो ऑप्शन में इन्फिनिटी आएगा वो मेरा आंसर होगा। चलो कोई बात नहीं, पुट कर देता हूँ मैं 1 1 2, इसमें पुट कर लेता हूँ। ए को मैंने क्या लिया है, 1 माइनस बी स्क्वायर 1। तो अब ये मेरे पास इन्फिनिटी तो बन नहीं रहा है, तो ये वाला मेरा आंसर नहीं आएगा। इसको देखता हूँ मल्टीप्लाई बाई ए को मैंने 1, बी को 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जे वाला इन्फिनिटी बन रहा है क्योंकि अपान में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 अपान 0 आ गया ना, चाहे यहाँ पे कुछ भी हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब जे वाला मेरे पास आंसर है, तो जे वाला मेरे पास क्या आएगा, आंसर आएगा, ठीक है। सिंपल था ये भी, इसी तरह से आपने अलजेब्रा यूज़ करना होता है, ठीक है। जब आप अच्छे से समझ लोगे तो आपको आपका जो बिल्कुल आप इसको अच्छे से कर सकोगे फिर, ठीक है। आज कुछ वीडियो में मज़ा नहीं आ रहा है ना पढ़ाने में, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। अब यहाँ पे देखो एक्स पान ए इक्वल टू वाई पान बी टैन थीटा इक्वल टू वन, एंड एक्स पान ए टैन थीटा प्लस वाई पान बी इक्वल टू वन। एक्चुअली अगर बंदा डेली वीडियो बनाए ना तब ठीक है, मैं आज 2-3 दिन के बाद बना रहा हूँ वीडियो, तो कुछ प्रॉब्लम रहती है, ठीक है ना, क्योंकि टच रहना चाहिए पढ़ाई के साथ। चलो अब मैं इसको कोशिश करता हूँ निकालने की।
चलो देखते हैं इसको। मुझे उसने दिया क्या है लिख लेता हूँ मैं, एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी टेन ऑफ थीटा इक्वल टू वन, एंड उसने मुझे दिया है एक्स अपॉन ए टेन ऑफ थीटा प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन। वैल्यू मुझे निकालनी है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर की मुझे वैल्यू निकालनी है। अब देखो इस क्वेश्चन का स्क्वायर हुआ हुआ है, क्या हुआ है स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर दे देखो। अब ऑप्शन उसने क्या दिया है स्क्वायर में दिया है, इसका मतलब मुझे इन दोनों को स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड ठीक है, इसको भी कर दो स्क्वायर बोथ साइड, चलो इसको स्क्वायर कर लो। चलो मैं यही लिख लेता हूँ, इसको जब मैं स्क्वायर करूँगा तो क्या बनेगा, रुको दो मिनट। हाँ इसका मतलब मैंने इसको स्क्वायर करना है ना, टोटल को स्क्वायर करना है इसको, इसको भी मैं स्क्वायर करूँगा, इसको भी मैं स्क्वायर करूँगा और इसको भी मैं सबको समझ लो इसको भी मैं स्क्वायर करूँगा। तो कर दो इसको स्क्वायर, क्या आएगा आपके पास देखते हैं ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होता ना, माइनस टू ये क्या मेरे पास एक्स पॉन ए और बी क्या मेरे पास बाई अपॉन बी टैन थीटा इक्वल टू वन ठीक है ना। ये मेरे पास बनी फर्स्ट क्वेश्चन, ओके सेकंड जहां से आएगी मेरे पास क्वेश्चन तो कर दो इसको सॉल्व, ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ मैं ठीक है, प्लस टू ए क्या मेरे पास एक्स अपॉन ए टैन थीटा और टू ए बी और बी क्या मेरे पास बाई अपॉन बी इक्वल टू वन, क्योंकि वन का स्क्वायर क्या रहता है वन रहता है। अब देखो मैं ऐड कर लेता हूँ, ऐड कर लो आप ऐड वन एंड टू, तो मैं इसको ऐड करूँगा तो ये देखो ये वैल्यू सेम है ना, इसको और इसको देखो सेम है, तो इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो मेरे पास जो बचेगा वो एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और जहाँ से क्या बचेगा टेन स्क्वायर थीटा, तो ऐड कर रहा हूँ मैं ठीक है प्लस इसको कर दो ऐड अप, तो जहाँ से मेरे पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हाँ ठीक है टेन स्क्वायर थीटा और प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस वन मतलब कि टू, मतलब ये क्या टू के बराबर है। तो इसके अब देखो मैं जहाँ से कॉमन लेने की कोशिश करता हूँ एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर को मैं जहाँ से कॉमन लेने की कोशिश करता हूँ, तो देखो यहाँ पे मैं कॉमन ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन आ गया ना, तो ये देखो ये वाला टर्म जहाँ बचेगा मेरे पास टेन स्क्वायर थीटा ओके, एक तो मैंने यहाँ से लिया है तो प्लस वन ठीक है ना। तो अब मैं करता हूँ बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को लेता हूँ कॉमन, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को मैं जब कॉमन लूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, एक तो यहाँ से मेरे पास आएगा टेन स्क्वायर थीटा, एक तो यहाँ से आ गया प्लस वन इक्वल टू टू ठीक है ना। अब देखो आप लोगों ने पढ़ी होगी वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा ठीक है ना, ये तो आप लोगों ने पढ़ा है ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर है ना, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इक्वल टू टू। तो अब देखो मुझे वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की, तो किसके बराबर आएगा ये टू अपॉन टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन या वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा, तो ये किसके बराबर आएगा टू
कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1.6 थीटा का उल्टा क्या होता है 2 cos² थीटा। तो ये वाला मेरे पास यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है ना। इजी था जी बिल्कुल। चलो फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फोर्थ वाला कैसे करना है। अब देखिए यहाँ पे मुझे दिया है साइन थीटा अपॉन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन वाई, देन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू। बड़ा इजी क्वेश्चन है जी, ठीक है। चलो करते हैं इसको। साइन थीटा अपॉन एक्स इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन वाई, चलो कोई बात नहीं। अब देखो जहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, ठीक है ना। मैंने वेरिएबल एक साइड कर लिया ना, अलजेब्रिक फॉर्म एक साइड और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म मैंने एक साइड कर ली। अब मैं एक ट्रायंगल ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है ना। ट्रायंगल ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ से अगर थीटा है, ठीक है ना। अब देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, ऑब्वियसली बात है टैन थीटा के बराबर होता है। तो टैन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, तो मुझे पता है इसका कि जो मेरे पास फार्मूला टैन थीटा का, बेसिकली वो फार्मूला क्या है, वो है ना पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे मेरे पास एक्स है और जो बेस है मेरे पास वो क्या है, मेरे पास वाई है। तो मुझे पता है हाइपोटेन्यूज क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, यही होगा ना, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। चलो अब मैं इसको क्या करूँ, अब मुझे देखो मेरे पास ये बन गया, अब मुझे निकालना क्या है, जो निकालना है उस पर चले जाओ। निकालना क्या है मुझे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके साइन थीटा का जहाँ से आप फार्मूला निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। आगे माइनस का साइन आ गया, कॉस एक्स की बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है मेरे पास वाई अपॉन हाइपोटेन्यूज सेम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, एक्स माइनस वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो कौन सा ऑप्शन बना मेरे पास, ऑप्शन बी मेरे पास क्या आएगा, आंसर आएगा। चलो अगला देखते हैं यहाँ पे क्या है। हाँ जी वाला क्वेश्चन बड़ा ही, हाँ जी वाला क्वेश्चन था जो मैं आपको बता रहा था, एसएससी में ये हर बार पूछा ही जाता है, मैक्सिमम केसेस में सीजीएल या अदर कम्पिटिटिव में, ये बड़ा ही पैट क्वेश्चन है। तो देखो इसमें है क्या, एक्चुअली इसमें कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है। चलो मैं बताता हूँ पहले इसको ट्रेडिशनल तरीके से निकालने की कोशिश करता हूँ। कॉस एक्स प्लस सेक एक्स इक्वल टू टू दिया है, मुझे निकालना है कॉस एन एक्स प्लस सेक एन एक्स। अच्छा अब देखो मैं थीटा को यहाँ पे कुछ भी एज्यूम कर सकता हूँ, ओके चलो कोई बात नहीं। अब इक्वल टू टू उसने दिया हुआ है मुझे, तो अब देखो यहाँ पे एक्चुअली उसने पावर में दिया है, तो मैं इसको भी क्या करूँ, स्क्वायर कर लेता हूँ, स्क्वायर बोथ साइड। ये ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है, बोथ साइड। आज मेरी वॉल्यूम थोड़ी अपन नहीं है क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम है, चलो कोई बात नहीं, फिर मैं कर लेता हूँ। तो इसको मैं जो स्क्वायर करूँ, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस टू कॉस एक्स इंटू सेक एक्स इक्वल टू फोर। तो मैं जहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस sec स्क्वायर x प्लस टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, क्योंकि कैसे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि sec x की वैल्यू क्या रहती है, 1 upon cos x, ठीक है। ये तो इजी था, तो मैंने ये तभी ये मैंने कैंसिल आउट कर दिया, तो मेरे पास क्या आया, cos स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x थीटा लिखूँ, थीटा है यहाँ पे इक्वल टू क्या आएगा, 2। मेरे पास है कॉस एन एक्स प्लस एस ई सी सेक एक्स एन एक्स, ठीक है ना, निकालना है। तो जहाँ पे कंपेयर कर लो, एन क्या है, 2 है, तो मुझे वैल्यू क्या, मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो देखो 2 को पावर 2 की एन, 2 की पावर 2, ऑप्शन जे भी मेरे पास एलिमिनेट हो गया, 2 की पावर 2 माइनस 1, तो ये भी नहीं आएगा, 2 आना चाहिए ना, ये भी नहीं आएगा, तो मेरे पास ऑप्शन क्या आएगा, 2 आंसर आएगा मेरे पास, ओके। इसका मतलब मुझे किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर। तो याद रखना, जहाँ पे गौर से देखना, कॉस एक्स और सेक एक्स है ना, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ना ये, चलो नोट करके लिख लो।
अगर मेरे पास साइन एक्स और प्लस क्या हो इसका रेसिप्रोकल सेक एक्स हमेशा टू के बराबर होगा। जैसे मैं अगर मैं ऐसे लिखूं, क्या लिखूं, चलो कॉस और कॉस एक्स प्लस सेक एक्स लिखूं तब भी जो टू होगा। अगर आप टेन और उस पर चले जाओ टेन एक्स प्लस कॉट एक्स, क्योंकि है ना ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, इनको जो प्लस करूंगा तो टू के बराबर आएगा। चाहे आप इन सब की वैल्यू पुट कर लो तो आपके पास आंसर क्या आएगा, टू ही आएगा। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है जो मैंने करवाया हुआ है आपको, उसमें से आप किसी भी वैल्यू को पुट करो साइन एक्स और कोसेक एक्स को, तो आपके पास ऑप्शन क्या आएगा, हमेशा टू आएगा। ये इस्तेमाल होकर आप लोग कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हो। ठीक है ना, अगर मैं ऐसे ऐसे दे दूँ साइन हंड्रेड एक्स प्लस कोसेक हंड्रेड एक्स फाइंड, आप लोग ट्रेडिशन अगर इसको निकालने की कोशिश करोगे तो ये लंबा हो जाएगा, तो आपको डायरेक्ट पता तो है कि टू आंसर है इसका। ठीक है ना, अगर मैं ऐसे लिख लूँ कॉस 33x प्लस सेक 33x, तो वो किसके बराबर आएगा, टू के बराबर आएगा, क्योंकि देखो n टर्म ऑफ कॉस एन एक्स प्लस सेक एन एक्स, चाहे n यहाँ पे कुछ भी हो ना, आंसर हमेशा क्या आएगा, टू आएगा। तो ये था आज का वीडियो, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।